आप एज गैप की बात करते हैं कि एज से क्या होता है? मैं दिखता हूँ क्या कहीं से? ना, मैं 10 साल तक भी करूँगा। शाहरुख भी तो कर रहे हैं। उसका डांस जब वो करती है तो मैं उसका डांस देख के खो जाता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि कोई हमें आके देख के अरे यार क्या लगता है, क्या दिखता है तू, आज तुझे मेन रोल देते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। Hi Nawaz, thank you so much for joining us on The Quint. जब भी फिल्म्स में लीड एक्टर्स के बीच में बहुत बड़ा एज गैप होता है, लोग हमेशा बातें करते हैं whether it's did the script demand it, what was the reason. जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई थी, आपका पहला रिस्पॉन्स क्या था? क्योंकि लव स्टोरी थी ये, मुझे मालूम था कि ये मुझे ही मिलेगा। जो कर सकता है उसको ही मिलता है। और रही बात, आप एज गैप की बात करते हैं कि एज से क्या होता है? मैं दिखता हूँ क्या कहीं से? ना, मैं 10 साल तक भी करूँगा। हाँ जी, हाँ जी, मेरा ये बिलीफ है और मैं उसके लिए मैं अपने आप को फिट भी रखूंगा हर चीज। शाहरुख भी तो कर रहे हैं। Absolutely. वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनमें दिखता है रोमांस है। वो रोमांस ही करते जो आजकल के एक्टर उनको दिखता है कॉर्पोरेट हाउस से आए हैं, उनके फेस पे दिखता है, उनकी बॉडी में दिखता है रोमांस, दिखता है। यू नो, आजकल की तरह नहीं कि व्हाट्सएप पे प्यार हो गया और व्हाट्सएप पे ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन। हमने क्या इश्क किया है ना, तो वो हमारी नस नस में है। 3-3 साल तक मैं एक लड़की से प्यार करता रहा। मेरे गांव में एक लड़की थी, मैं 3 साल तक उसके घर पे खड़ा रहा, घर के आगे खड़ा रहता था धूप में। कुछ तो काला था ही और काला हो जाता था मैं, हैं, लेकिन खड़ा रहता था। इश्क था। इश्क बहुत ज़रूरी है। आप किसी को प्यार करेंगे वो एक पैशन है, आप अपने रोल से प्यार करो वो पैशन है। पैशन होना ज़रूरी है, उसी से रोमांस भी आता है, पैशन से ही रोमांस आता है। तो मुझे पैशन है फिल्मों का, फिल्मों में काम करने का, अपनी एक्टिंग का पैशन है मुझे, तो वही पैशन मुझे इश्क में भी होता है। During the making of this movie and working on the film, was it anything you learned from Avneet? She's a very gifted actress actually. और उसका डांस जब वो करती है तो मैं उसका डांस देख के खो जाता हूँ। छोटी छोटी अदाएँ करती है तो वो बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाती है और वो चीज़ मुझे सीखने के लिए मिलती है कि उसका बिलीफ। You know, जब हम ये ट्रेलर देख रहे थे, of course we all were taken back to when you started your career. आपने आपका करियर एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर से शुरू किया था और जब आप आज सेट्स पे जाते हैं, क्या आपको कुछ फ़र्क दिखता है इन ट्रीटमेंट ऑफ जूनियर आर्टिस्ट? देखिए, आज की डेट में तो अगर देखा जाए तो चाहे छोटा रोल कर रहा हो, चाहे कोई बड़ा रोल कर रहा हो, सबके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। पहले शायद ऐसा नहीं था। पहले बहुत जगह पे वो देखने के लिए मिलता था, लेकिन खाने का जो तरीका होता था उनके लिए अलग, और उससे बड़े आर्टिस्ट होते उसके लिए अलग, चाहे और दूसरों के लिए अलग। उस वक्त पे भी ये जो अच्छे बड़े प्रोडक्शन हाउस थे, जैसे यशराज है या और इस तरह के प्रोडक्शन हाउसेस थे, वो लोग उनके यहाँ पे क्या होता था, एक ही जगह सब लोग जो है खाते थे। तो ये बहुत अच्छी उनसे इंस्पायर हो के दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस ने भी ये करना शुरू किया। तो आज की डेट में आई थिंक ये फ़र्क देखने को नहीं मिलता। सर, आपको जब आप जूनियर आर्टिस्ट के तौर से फिल्म्स कर रहे थे, आपको नोटिस किसने किया और आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई उसके बाद? छोटे छोटे रोल में नोटिस करना शुरू कर दिया था एक्चुअली। जब मैंने सरफरोश की, पहला काम मेरा वही था, सरफरोश फिल्म थी, उसमें बहुत छोटा सा रोल किया था, बट एक ही सीन मिलता था हर फिल्म में। तो एक सीन इंटरेस्टिंग सीन है तो मेरे पास कॉल आता था, नवाज एक सीन है बहुत कमाल का सीन है, करोगे? मैंने हाँ करूँगा। तो एक सीन मैंने बहुत सारे कर लिए। तो मैंने डिसाइड किया यार अब 2 सीन करूँगा मैं, अभी एक सीन मैंने कर लिए। तो फिर अचानक से एक कास्टिंग डायरेक्टर का फ़ोन आया मुझे कि नवाज भाई एक सीन है, करोगे क्या फिल्म में? तो मैंने कहा दोबारा फ़ोन मत करना मुझे, अब मैं 2 सीन करूँगा। तो उसके बाद से 2-2 सीन आने लगे, फिर 3 सीन पे आया। तो ऐसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, वैसा हुआ मेरे साथ एक्चुअली। हाँ जी। तो सर, आप क्या बिलीव करते हैं कि रोल की जो लेंथ होती है उसको इतना इम्पोर्टेंस ना दी जाए और कैरेक्टर जो फिल्म्स में होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए एक्टर्स को? आई थिंक मुझे देखिए, शुरू में तो ऐसा तो है नहीं कि कोई हमें आके देख के अरे यार क्या लगता है, क्या दिखता है तू, आज तुझे मेन रोल देते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। हाँ जी। हम लोगों के लिए ज़रूरी था कि हर सीन में अगर एक सीन भी मिला, अगर 1 मिनट का फुटेज भी मिला है फिल्म में, तो उसमें प्रूव करना ज़रूरी था और उसके लिए हम ऑलरेडी ट्रेंड थे। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए मायने रखता है, लेंथ मायने रखती है यहाँ पे। उस टाइम पे हम जब एक्टर के बारे में सोचते थे, एक कन्वेंशनल लुक सबके दिमाग में आता था और आपने ऐसे ही बोला कि ऐसा नहीं कि देख के बोलेगा आप मेन रोल ले लो। क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ था, किसी ऐसे इंसिडेंट हुआ था जो आपको एक डाउट था दिमाग में कि विल आई गेट मेन लीड्स? मेरे दिमाग में तो ये बिल्कुल था नहीं कि मैं मेन लीड करूँगा, बट ये था कि हाँ 1 सीन मिला 2 सीन कर लो, 3 सीन कर लो, इतना था, है ना। लोगों को लोगों ने वो सीन्स देखे, थैंक्स टू मतलब फिल्म मेकर्स और इंडस्ट्री के जो लोग थे, उन्होंने एक एक सीन में अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया था कि यार ये इसको 2 सीन दिए जा सकते हैं, इसको 3 सीन दिए जा सकते हैं। एंड लेटर ऑन लाइक जैसे अनुराग कश्यप हैं या आशिम आलूवालिया थे जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम मिस लवली फिल्म में मेन लीड दिया, पीपली लाइव फिल्म थी उसमें मेजर रोल मिला, ब्लैक फ्राइडे। तो उन फिल्मों के डायरेक्टर्स ने शायद उनको लगा कि भाई इसके अंदर है कुछ है जिसको इस पे मतलब डिपेंड हुआ जा सकता है, फिल्म को लेके इसको रिस्क लिया जा सकता है, और लिया उन्होंने। और वो आई थिंक उनकी ज़्यादा बड़ी बात है मुझसे ज़्यादा, क्योंकि मैं तो वैसे ही था। सर आपने जब करियर शुरू किया, जैसे आपने बोला छोटे रोल्स के, 2 सीन के, 3 सीन के, आपने लीड के तौर पे बहुत सीरियस रोल्स किए, और आज आप इस फिल्म में एक रोमांटिक लीड प्ले कर रहे हैं। जब सर बिटवीन द 2 रोल्स आपको कोई एक डिफ़िकल्ट लगता है, या आप कोई ज़्यादा इन्जॉय करते हैं कि आपको लगता है हर काम एक एक्टर के लिए काम है? नहीं, मुझे मज़ा आता है रोमांटिक रोल प्ले करने में, क्योंकि मेरे अंदर रोमांस भरा पड़ा। ये बहुत ही न्यूड प्रोफेशन है। आप जब स्क्रीन पे होते हो ना तो पता चल जाता है, दिख जाता है, यू नो, कौन ऑनेस्ट है कौन ऑनेस्ट नहीं है। लोग थोड़ा ना मुझे इसलिए दे रहे हैं कि चलो यार इसको एक वो दे, उनको दिख रहा है ना, दिखता है इसलिए दे रहे हैं वो, जिसको जो दिखता है वो देते हैं उसको। और थैंक्स टू मतलब फिल्म मेकर्स के वो मुझे हर तरह के रोल में देखना चाहते हैं, चाहे वो गैंगस्टर हो, कॉप हो या रोमांटिक फिल्म्स हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।